नमस्ते, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में बात कर चुके थे। जब माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है और इनवॉइस प्राइस पर भेजा जाता है तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है कि या तो लागत का 20% या लागत का कुछ प्रतिशत जोड़ करके माल भेजा जाता है या इनवॉइस प्राइस का परसेंटेज देकर के आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। उसकी बात हम कर चुके थे प्रीवियस क्लास तक। अब हम बात कर रहे हैं इनवॉइस प्राइस पर जब माल भेजा जाता है तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। देखिए, जब इनवॉइस प्राइस पर बात होगी तो ये बात जरूर है कि जो माल भेजा गया है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड है और एक्चुअल प्रॉफिट उस ब्रांच का निकालने के लिए उसको उसमें से अलग भी करना पड़ेगा और उसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसी सब चीजों को देख करके ये 6 अकाउंट बनाए जाते हैं। और वो 6 अकाउंट क्या है देखिए आप, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट जो कि लोड और अनलोड करता है स्टॉक में से, और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं और उन ट्रांजेक्शन के आधार पर हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखिए, जैसा कि लागत मूल्य पर भी था और ऐसा ही इनवॉइस प्राइस पर भी है, यानी कि बीजक मूल्य पर भी है। और वो क्या है कि सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा स्टॉक का, जो पिछले साल का होगा उस ओपनिंग स्टॉक को हम लिखेंगे। ऐसे ही डेटर्स के भी ओपनिंग बैलेंस हो सकते हैं, तो यहां पर हम ओपनिंग बैलेंस डेटर्स के भी लिख देंगे कि साहब ये स्टार्टिंग के ओपनिंग बैलेंस है। अब हम बात करते हैं आगे कि जब माल भेजा गया तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपके दिमाग में कि अगर इनवॉइस प्राइस पर ही माल दिया जा रहा है और इनवॉइस प्राइस पर ही बेचा जा रहा है तो इसमें जो चीजें जितने की आई उतनी अगर हम बेच दें तो कोई बैलेंस भी नहीं बचेगा, ना कोई प्रॉफिट दिखाएगा, ना कोई लॉस दिखाएगा ये अकाउंट, जैसा कि लागत मूल्य वाले में हो रहा था। तो देखिए आप, फिर भी शॉर्टेज रहती है तो क्या बात होती है और क्या नहीं होती है इसको समझते हैं हम। देखिए कि यदि मान लो कि बैलेंस है तो हमने बैलेंस लिख दिया, इसके बाद कुछ माल भेजा गया इनवॉइस प्राइस पे तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, और गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट यहां करते ही हम यहां पर भी एंट्री कर देंगे बाय ब्रांच स्टॉक के नाम से। तो आप देखेंगे कि ये वाली एंट्री और ये एंट्री यहां पर इसकी लेजर पोस्टिंग दोनों में अलग अलग हो चुकी है, अलग अलग विपरीत पक्ष में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि ऐसा माल कोई डिफेक्टिव आ जाए तो उसको रिटर्न भी किया जाएगा। तो मान लेते हैं कि उसको रिटर्न कर दिया गया, तो देखिए यहां पर हो गया जीएसटी बी टू ब्रांच स्टॉक, तो ये एंट्री कर दी गई ब्रांच स्टॉक जीएसटी बी टू ब्रांच, ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये एंट्री कंप्लीट कर दी गई। इसके बाद बात आती है कि कोई माल कैश में भी बेचा जाएगा और क्रेडिट पर भी बेचा जा सकता है। क्रेडिट पर बेचा जाएगा तो डेटर्स बनेंगे। अगर मान लो वो माल कैश नहीं बेचा गया तो सिंपल सी एंट्री है, क्योंकि ये सारे अकाउंट कौन बना रहा है, हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस के पास पैसा आया और आते ही एंट्री करी गई बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, यानी स्टॉक को कम कर दिया गया। यानी कि मान लो 100 रुपए का माल था, 120 में बेचा गया तो 120 से एंट्री हुई, 100 रुपए की एंट्री हुई तो पता चल गया कि 20 रुपए भी, सॉरी 120 रुपए यहीं पे थे और 120 रुपए यहां पर भी आ गए, यानी कि जितने में आया उतने में बेच दिया अकाउंटिंग में ब्रांच के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर इसके बाद हम बात करें कि यदि मान लो कि अब डेटर्स मतलब कुछ उधार में सेल किया गया, तो बड़ी सिंपल बात है कि डेटर्स बने कि ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो आप देखेंगे कि एक एंट्री यहां पर बनी और ये एंट्री जो है यहां पर बन गई, ये एंट्री यहां पर आ गई क्रेडिट सेल की एंट्री टू ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल। अगर मान लो कि डेटर्स से वापस से गुड्स रिटर्न आया है तब हम इसकी एंट्री यहां पर भी करेंगे, यानी कि ब्रांच स्टॉक के नाम से एंट्री करेंगे, यानी कि स्टॉक में वापस गया तो एंट्री बनी ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर्स, तो ब्रांच स्टॉक की एंट्री हम एक रिटर्न की एंट्री ये भी कर देंगे ब्रांच डेटर्स के नाम से। अब आप देखेंगे ये सारे काम होने के बाद डेटर्स में कोई मतलब किसी ब्रांच ने डेटर्स को कुछ बैड डेट्स हो गए या कोई डिस्काउंट दे दिया या कुछ और भी एक्स्ट्रा खर्चे कर दिए गए, तो वो सारे खर्चे ब्रांच एक्सपेंसेस नाम से जाने जाएंगे, ना कि हेड ऑफिस उनको अलग अलग ध्यान रखेगा,
उसको ये बताया कि हाँ इस ब्रांच से खर्चा है साल 2000, ब्रांच एक्सपेंसिस अकाउंट। भाई साहब टैटर्स को डिस्काउंट दिया तो बोले डिस्काउंट अकाउंट में डालो, बोले नहीं हम तो इस ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो इस ब्रांच को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया उसके सारे खर्चों को, उसको नाम दिया हमने ब्रांच डेटर्स। देखिए आप यहाँ पर एंट्री ब्रांच एक्सपेंसिस में, तो देखिए ब्रांच एक्सपेंसिस टू ब्रांच डेटर्स डिस्काउंट अकाउंट और बैड डेट्स अकाउंट की एंट्री हम किस नाम से कर रहे हैं, ब्रांच डेटर्स के नाम से कर रहे हैं। जैसे ही एंट्री ब्रांच डेटर्स में यहां करी गई तो ये एंट्री यहां पर भी कर दी जाएगी बाय ब्रांच एक्सपेंसिस, यानी ब्रांच एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, फिर डिस्काउंट हो सकता है बैड डेट्स एक्सेट्रा और जो भी कोई खर्चे ब्रांच से रिलेटेड किए। अब ब्रांच एक्सपेंसिस को और देखें हम तो हमें पता चलेगा कि कुछ खर्चे हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच के लिए भी किए जाते हैं तो वो डायरेक्ट हेड ऑफिस ही करता है, तो हेड ऑफिस अगर अपने डायरेक्ट खर्चे करेगा तो अपने आप को बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर लेगा और ब्रांच एक्सपेंसिस को डेबिट कर लेगा, तब एंट्री क्या बनेगी, ब्रांच एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये टू बैंक अकाउंट में सैलरी भी दे सकता है, वेजेस भी दे सकता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल है या पेटी एक्सपेंसेस जो भी हैं उसके लिए अगर कोई पैसा दिया जाता है हेड ऑफिस द्वारा तो हेड ऑफिस अपने अकाउंट को क्रेडिट करेगा और ये टू बैंक यानी बैंक को क्रेडिट किया एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट किया। तो यहां तक की बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे यहां पर जो समझने वाली बात है, एक तो देखिए स्टॉक और एक जीएसटी भी, स्टॉक में भी दो हैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, यानी ये तीन चीजें ऐसी हो गई जिनके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, यानी कि ये इनवॉइस प्राइस है। अब हमें क्या करना है इस इनवॉइस प्राइस को, यानी कि ये और इन तीनों में इनवॉइस प्राइस में से प्रॉफिट को अलग करके कॉस्ट निकालनी, यानी कि प्रॉफिट अलग निकालना है। इनवॉइस प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, यानी कि प्रॉफिट अलग निकालना है, तब क्या करेंगे हम इसको हम समझते हैं और अकाउंट भी क्लोज करते हैं हम एक एक। देखिए आप यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे ओपनिंग बैलेंस है ऐसे ही हमें क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ होगा। अब ये बात सही है कि क्लोजिंग बैलेंस शायद वो ना हो जो होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस शायद वो ना हो जो होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर मैं कहूं कि साहब बनो ओपनिंग स्टॉक प्लस जो भेजा गया वो माल था 10,000 का टोटल और क्लोजिंग बैलेंस ये बेच कितना दिया, बोले 5,000 का बेच दिया गया, तो बोले कि साहब बचा कितना, बोले 5,000, तो बोले बैलेंस में कितना आना चाहिए 5,000 कि 10,000 में से 5,000 का सेल कर दिया तो 5,000 आना चाहिए, लेकिन ये 5,000 ना आकर के ये आ रहा है 4,800 रुपये, तो बोले 200 रुपये का क्या हुआ। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हम ये एक नॉर्मल वेस्टेज होती है या नॉर्मल लॉस होता है उस कंपनी के लिए, तो वो उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, यानी कि जो बैलेंस होगा। तो देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट नॉर्मल शॉर्टेज कोई भी निकलती है उसके लिए तब बैलेंसिंग फिगर ये निकाला जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसी ब्रांच एडजस्टमेंट यहां पर शॉर्टेज रह गई है तो ये सारी एंट्री सीधी उठ के कहां आएगी, अगर आप देखेंगे तो ये आ गई, यानी कि ये यहां से यहां आ गई इसकी लेजर पोस्ट।